As a content creator and full-time trader, a good monitor is very crucial for editing, graphics and overall productivity. नमस्कार दोस्तों, दिवाकर रॉय इज हेयर. पिछले एक महीने से मैं एसर के S272UE मॉनिटर को यूज कर रहा हूँ और इसके अनबॉक्सिंग वीडियो पे आप लोगों ने भर भर के कमेंट किया कि इसका डिटेल रिव्यू मैं लेके आऊँ. सो हेयर आई एम. इस वीडियो में मैं इस 27 इंच 2K मॉनिटर के बारे में सब कुछ, फ्रॉम डिस्प्ले टू फीचर्स, व्हाट आई फील आफ्टर यूजिंग 1 month, आपके सामने रखूंगा ताकि आपको आपके लिए बेस्ट मॉनिटर चूज करने में हेल्प मिले. डिस्प्ले क्वालिटी दोस्तों, ये मॉनिटर 2K रेजोल्यूशन में आता है, विच इज इस पे आपको लिखा आएगा WQHD. इसका पिक्सल फॉर्म में 2560x1440, ये इसका रेजोल्यूशन है. 2K मॉनिटर है और दैट मीन्स कि वेरी क्रिस्पी क्लियर पिक्चर, जो आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह में काफी हेल्प करता है. इवन नॉर्मल ब्राउजिंग वगैरह में भी कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी निकल के आती है. मॉनिटर IPS पैनल के साथ आता है, दैट मीन्स व्यूइंग एंगल इज वाइड, कलर डोंट शिफ्ट ड्रामेटिकली. अगर आप इधर उधर शिफ्ट होते हो, कलर चेंज नहीं होगा, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है. अगर आप एक जगह बैठे हो तब तो वैसे भी नॉर्मली सब ठीक ही रहता है, बट अगर आप थोड़ा साइड वाइड भी हुए तो भी इसका सही रहेगा, कलर शिफ्ट नहीं होगा. इन टर्म ऑफ डिजाइन, इसका जो मॉनिटर है उसको आप आगे पीछे टिल्ट कर सकते हो, बट ये ऊपर नीचे नहीं होगा, ये इसमें है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसके कॉन्स में आना चाहिए कि इसमें इसको आप वॉल पे नहीं वो कर सकते हो, लगा सकते हो, ये आपको स्टैंड पे ही रहेगा. इसमें वो वॉल माउंट वाला वो नहीं है सिस्टम. वेरी स्लिम लुक इसका जो लुक है, इट्स अ वेरी स्लिम लुक. आप इतना पतला मॉनिटर बहुत कम मार्केट में, स्पेशली इस प्राइस पॉइंट पे जो मैं आगे आपको बताऊंगा उसमें आपको मिलने जा रहा है. 100Hz रिफ्रेश रेट, 1ms का रिस्पॉन्स टाइम है, दैट मीन्स कि ये मॉनिटर आपको एडिटिंग के लिए, फुल टाइम अगर आप ट्रेडर हो तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया है. वीडियो सर्फिंग करते हो तो भी बहुत अच्छा है. 27 इंच का वाइड मॉनिटर आपको मिलता है, तो कैंडल्स वगैरह इसमें बहुत ही क्लियर दिखते हैं, तो ट्रेडिंग में आपको उससे हेल्प तो ऑब्वियसली होती ही होती है. एडिटिंग में भी आपको काफी, वीडियो एडिटिंग अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो वहां भी आपको ये बहुत हेल्प करता है. बहुत ही स्लिम इसका डिजाइन है, एकदम मतलब पैनल है, इसमें कुछ ऐसा कुछ नजर भी नहीं आता. बहुत बढ़िया इसका डिजाइन वाइज तो बहुत अच्छा बनाया गया है. और रिफ्रेश रेट 100Hz है, रिस्पॉन्स टाइम 1ms है, तो एट द सेम टाइम इसके कॉन्स भी है कि ये गेमिंग वगैरह के लिए नहीं बना हुआ है. इसको आप वीडियो एडिटिंग, नॉर्मल वीडियो सर्फिंग, ट्रेडिंग अगर आप करते हो उन सब के लिए तो ये आप यूज कर सकते हो. गेमिंग वगैरह के लिए, हार्डकोर गेमर के लिए नहीं है. बहुत हाई नॉच परफॉर्मेंस जिनको चाहिए मॉनिटर, उनके लिए ये नहीं है. इसके अलावा इसमें बिल्ट इन स्पीकर आते हैं जिसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है. एक नॉमिनल स्पीकर है इसमें, काम चलाने लायक जस्ट. सो नाउ व्हाट आई फील अबाउट दिस मॉनिटर आफ्टर यूजिंग 1 month. तो दोस्तों, ये मॉनिटर आप ले सकते हो इफ यू वांट थिंग्स इन अ बजट. मुझे ये 12,743 रुपए का पड़ा था एंड इसको मैंने EMI में लिया था, तो ऑब्वियसली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. देखो, जब आप इसको किसी भी ऑफर में भी खरीदते हो और बोलते हैं मैंने इसको फ्लिपकार्ट से खरीदा था 12,500 रुपए का, उसमें प्रॉक्स मेरे को उस टाइम आ रहा था, एंड जब EMI पे उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई नो कॉस्ट EMI है, बट देन मुझे पता चला बाद में कि भैया नो कॉस्ट EMI में भी 500 रुपए वो ऐड कर देते हैं. तो ये आपके लिए एक सीख भी है, मैंने भी सीखा है, मैं आपसे शेयर भी कर रहा हूँ. भैया EMI में पैसे कटते हैं, इवन दैट इट इज अ नो कॉस्ट EMI, वो बैंकिंग प्रोसेसिंग कौन कौन सा चार्ज बोल के मैंने इसको क्रेडिट कार्ड पे लिया था. तो आप ये भी मत बोलना कि कोई ऐसा वैसा SBI का क्रेडिट कार्ड से लिया था और 500 रुपए एक्स्ट्रा इन्होंने मुझसे ले लिया, जबकि इन्होंने नो कॉस्ट EMI ऐसा ऑफर करके दिया था. तो ये एक
सीख भी है। और ये मॉनिटर कौन कौन से इंसान ले सकते हैं, तो ये मॉनिटर उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको एडिटिंग करना है, कंटेंट क्रिएटिंग करना है। नॉर्मल हम जैसे नॉर्मल यूट्यूबर्स के लिए ये बहुत अच्छा मॉनिटर है, वाइड बहुत 27 इंच का मॉनिटर है 2K रेजोल्यूशन में। सिंपल वीडियो सर्फिंग वगैरह अगर आप कंटेंट कंज्यूम करते हो उन सब के लिए ये बहुत अच्छा है। आप ट्रेडिंग करते हो, कैंडल्स वगैरह इसमें बहुत अच्छे क्रिस्पी नज़र आते हैं, तो वहाँ भी आपको बहुत हेल्प मिलता है, आँखों को बहुत सुकून मिलता है। ये किन के लिए नहीं है, तो हार्डकोर गेमर्स के लिए बिल्कुल नहीं है, या उनके लिए जो बहुत ही टॉप नॉच मॉनिटर चाहते हैं, प्रोफेशनल टाइप बहुत तगड़ा वाला एडिटिंग वगैरह, तो उनके लिए भी नहीं है भैया। और इसका बिल्ट इन स्पीकर वगैरह उतना अच्छा नहीं है, आप पहले से मन में बना लो भैया इसको लेना है और स्पीकर वगैरह एक्स्ट्रा एक्सटर्नल स्पीकर ही यूज करना पड़ेगा, ये उनके लिए नहीं। मेरा जो पर्पस था, मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर फुल टाइम ट्रेडर जो मुझे जो चाहिए था एक बजट में, वो भी क्योंकि देखो मैं बहुत अच्छा यूट्यूब से अभी नहीं कर रहा हूं, तो मुझे जो भी चाहिए बजट में ही चाहिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बना के ग्रो कर पाऊं, तो वो मेरे को इससे पर्पस मेरा फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। मेरे को ऐसा कोई सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप इसका जो मैंने एक सेटअप पूरा तैयार किया, आपने बहुत टाइम बोला भी था कि अपना सेटअप दिखाओ सेटअप दिखाओ, तो यही मेरा बेसिकली सेटअप एडिटिंग एंड ट्रेडिंग सेटअप है। मैंने इस मॉनिटर को इस लैपटॉप से कनेक्ट करके रखा है, ये HDMI केबल के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है और ये एक एक्सटेंडेड स्क्रीन का काम करता है। कैसे करता है इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। और अगर आप ट्रेडिंग भी करते हो, ट्रेडिंग में भी जनरली आपने देखा होगा ट्रेडिंग व्यू अगर आप फ्री वाला चला रहे हो तो एक ही चार्ट आप लगा सकते हो। मैं इसमें जैसा कि आप देख रहे हो मैंने ऑलमोस्ट 9 चार्ट्स लगा के रखे हैं, तो ये कैसे हुआ ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर आपको चाहिए, आपने कमेंट करना है, कमेंट आया तो मैं आप पक्का इसको भी बता दूंगा। ये एक हैक है, सिंपल सा हैक है, इसको मैं आपको बताऊंगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दोस्तों, ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने खुद खरीदा है, यूज किया है और मुझे जो लगा उसके बाद मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कहीं कोई कंपनी ऐसा कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। मैं जनरली चाहता हूं कि आपके नेक्स्ट मॉनिटर खरीदने में आपको हेल्प हो पाए, तो इसे भी एक लुक आप दे सकते हैं। अगर मेरी कैटेगरी में है, बजट में चाहिए और मतलब वीडियो एडिटिंग ट्रेडिंग वगैरह का काम अगर आप कर रहे हो, तो आप एक इसको लुक दे सकते हो खरीदते टाइम। आपको ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर जो आपको पसंद आए वो खरीद लेना। अगर आप बजट में एक ऑलराउंड मॉनिटर ढूंढ रहे हो तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। आप को और कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट में लिखो, हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिएगा, जितने भी आपके नोन में जरूरतमंद लोग हैं जो मॉनिटर सर्च कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए, उनको डेफिनेटली इस वीडियो से हेल्प मिलने वाली है। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।